जो ताकतें पूर्व इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए दोषी थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, आज कांग्रेस उन्हीं ताकतों का समर्थन कर रही है, उन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है और उन्हीं के तौर तरीकों का समर्थन कर रही है, बावजूद इसके कि इंदिरा गांधी की जान इन्होंने ही ली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है और कई पार्टियां और कई नेता अपने खुद के इतिहास से भी सीखने से इनकार कर रहे हैं। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोकने वाले लोग अलग अलग किसान संगठनों के बताए जा रहे हैं। ये वही किसान संगठन है जो दिसंबर के महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे और इस आंदोलन में मौजूद खालिस्तान समर्थित कुछ लोगों ने उस जमाने में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। आज आपको नवंबर 2020 का एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हम ही से उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी हमारे सामने क्या चीज है, खुद देखिए आप। कब मीटिंग है ये? अभी 24 तारीख रखी हुई ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसपे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में, तो इंदिरा ठोक दी हमने तो मोदी क्या चीज है। और अब तो मोदी ने कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया था, तो सोचा था कि किसान खुश हो गए होंगे, किसान शायद उनका स्वागत करेंगे, लेकिन किसान तो आज भी अपने मन में, ये किसान हैं या आंदोलनकारी हैं या खालिस्तानी हैं कहना मुश्किल है, लेकिन इनके मन में आज भी नफरत कम नहीं हुई है। और जो ये पहले करते आए हैं, जो इंदिरा गांधी के साथ किया, शायद दोबारा वही करना चाहते हैं। जिन ताकतों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, वही ताकतें आज मोदी के पीछे हैं। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान आंदोलन को खत्म करने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, आपको याद होगा, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे जर्नैल सिंह भिंडरवाले और उसके साथियों को मार दिया गया था। और इसके बाद इंदिरा गांधी के ही अंगरक्षकों ने, जो कि पंजाब से थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अपने ही अंगरक्षकों के हाथों वो मारी गई थी। आप सोचिए, ये तस्वीरें याद कर लीजिए। इससे पहले इन्हीं खालिस्तानी ताकतों ने 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को भी स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर मार दिया था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी 1995 में ऐसे ही कार धमाके में उनकी हत्या की थी। किसान आंदोलन के बाद ये ताकतें अब फिर से सक्रिय हो गई है। आपको यह भी याद होगा 2018 में जब महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, उस समय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले थे जिनसे यह पता चला था कि अर्बन नक्सल्स प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह चिट्ठी तब मिली थी, तब इन सबूतों में यह चिट्ठी थी जो आज आपके सामने है, जो आज मैं लाया हूं, और चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। इस चिट्ठी में लिखा था कि हिंदूवादी ताकतों से देश को बचाने का एक ही तरीका है और वो है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या। और इसी में आगे लिखा है कि मोदी को उसी तरह से खत्म किया जा सकता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई, यानी एक रोड इवेंट के दौरान। यहां पर ये उन्होंने लिखा है, देखिए फिर से आप इसको पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा है, वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। इट साउंड सुसाइडल एंड देर इज अ गुड चांस दैट वी माइट फेल, बट वी फील दैट द पार्टी मस्ट डिलिबरेट ओवर द प्रपोजल। टारगेटिंग हिज रोड शोज कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। साफ साफ तो लिखा है इसमें, साफ लिखा है देखिए कि मोदी के रोड शोज को अगर हम अपना निशाना बनाएं तो राजीव गांधी की ही तरह मोदी की हत्या भी की जा सकती है। और इसे आप एक संयोग मानेंगे या साजिश मानेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एक रोड इवेंट के दौरान ही हुई है, बिल्कुल वैसे ही हुई है। राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी आप सब जानते हैं। 21 मई 1991 को जब तमिलनाडु की एक चुनावी सभा में राजीव गांधी भी ऐसे ही एक चुनावी सभा में शामिल होने के लिए गए थे और इस दौरान एलटीटीई की एक सुइसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वो उनके कार्यकर्ता के रूप में वहां पर पहुंची। राजीव गांधी को लगा कि ये हमारी कोई कार्यकर्ता है, हमारा झंडा लेकर आई है, फूलों की माला लेकर आई है, और वो तुरंत आगे झुक गए। लेकिन उस फूल की माला में फूल नहीं बल्कि बम लगे हुए थे और इस तरह से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। कांग्रेस ऐसा लगता है ये सब भूल चुकी है। सोचिए अगर प्रधानमंत्री के काफिले में
अगर आज कोई ऐसा ही व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर आ जाता, फूल माला लेकर कोई आ जाता, कोई झंडा लेकर आ जाता और कोई सुइसाइड बॉम्बर वहां पर पहुंच जाता, तो आज मोदी की जान बचना कितना मुश्किल होता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 में जब मोदी अफगानिस्तान के दौरे से भारत लौट रहे थे, तब उन्होंने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया, अचानक से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज अचानक फैसला किया कि हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जाएंगे। उस समय उनका विमान इस्लामाबाद में लैंड हो गया और वहां से वो पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर में लाहौर गए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ का घर पर उन्हें जाना था, ये तो उसी समय की तस्वीर है, और नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था और उनकी पोती की शादी भी थी, और मोदी को लगा कि आज नवाज शरीफ के घर जाना चाहिए और अचानक वो पाकिस्तान चले गए। उनकी सुरक्षा में पाकिस्तान में जाने के बाद भी कोई चूक नहीं होती, लोग तो हैरान थे और लोगों ने कहा भी कि आप पाकिस्तान चले गए, कुछ भी हो सकता था, वहां तो इतने आतंकवादी रहते हैं। लेकिन सोचिए पाकिस्तान जैसे देश में भी मोदी गए और बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन हमारे देश में, एक राज्य में, पंजाब जैसे देश राज्य में वो जाते हैं और उनका सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाता है, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है, पंजाब पुलिस जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती है। आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ महज एक सुरक्षा की चूक नहीं है, वो महज प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकी नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, आज एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत इस देश में हुई है। और वो ट्रेंड ये है कि अगर प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का है और मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है, अगर दोनों की विचारधाराएं अलग हैं और दोनों चुनावों में एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने हैं, तो फिर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कर सकता है और चुनाव के लिए इस देश में अब कुछ भी किया जा सकता है। अगर आज एक मुख्यमंत्री ने यह करना शुरू किया है तो कल भविष्य में दूसरा मुख्यमंत्री भी यही कहेगा। आज पंजाब पुलिस ने किया है, कल दूसरे राज्य की पुलिस भी यही काम करने लगेगी। और सोचिए ऐसे समय में आप चाहे वोट किसी को भी दें, आपके वोट का कोई मायने नहीं रह जाएगा, चुनाव के नतीजों का कोई मायने नहीं रह जाएगा, आप चुनाव जीते या हारें, आप संवैधानिक पद पर हैं या नहीं है, लेकिन आपकी जो जान है, आप किसी रैली में जाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला वहां की लोकल पुलिस करने लगेगी। आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला मुख्यमंत्री करने लगेंगे या लोकल पुलिस करने लगेगी। इसलिए इसे महज एक छोटी घटना समझकर भूल मत जाइएगा, ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इससे भारत का लोकतांत्रिक भविष्य जो है वो खतरे में आ सकता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।